नो डैट कि सर्दियां आ चुकी हैं और गर्मियां चली गई हैं। अब हम सर्दियों के कपड़े निकालेंगे और गर्मियों के कपड़े रखेंगे। वार्डरोब का रूम इतना गंदा हुआ है, आज वो साफ करें। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। लेट्स सी, एक नजर जो है ना वो कमरे को धुड़ा ले, कमरा चेक करें, कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े हैं। पहले नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद आके साफ करती, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी ना, उसके बाद यूं पूरा कमरा साफ कर डालना है मैंने। ये बिफोर देख लो इसका, जब मैं आपको इसका आफ्टर दिखाऊंगी ना तो धूम किस्म का होगा। राइट नाउ क्लोज द डोर। आज मैं सफाई कर रही हूँ जनरली, इससे कुछ सीखे, पहले नाश्ता करवा दो ताकि पेट में कुछ खाना जाए। जब वो वाला साफ हो जाएगा ना फिर तुम लोगों का रिएक्शन लूंगी। सारी बहनों की वार्डरोब उसी रूम में होती है, कपड़े जूते पोनिया पिने व्हाटएवर इस्त्री उस्त्री सब उधर। अपना घर साफ करने में ना कोई मेड वेड और कोई ईगो नहीं आती। पर आ गई हूँ ये काचू कूड़े कमरे को समेटने और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा ये गंद मैं अकेले कैसे समेट। चलो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे जैसे होता जाता है आपको दिखाती जाती हूँ। अभी फिलहाल मैंने सारी जूतियाँ जोड़ी हैं वहाँ पे, लेकिन ये सारी जो जूतियाँ हैं ना ये सारा रफ मटेरियल है। इतना सारा काम करके ना अब मैं थक चुकी हूँ और अभी इतना काम पड़ा है। ये सारी जूतियाँ जो है ना वो डोनेट करनी है क्योंकि हम नहीं पहन रहे, ये वाली तो हम किसी को दे देंगे। मम्मा मम्मा लंडा बाजार खुला हुआ है, थक गई हूँ ना, तो मुझे पता था मेरे बगैर तुम समेट लो तो ये हो ही ना जाए। अम्मियों का होना गाइस बहुत जरूरी है, खान लड़की से अम्मी बनता है ना, तो इतना जेन खुलता है इतना। अब मैं सेट करने लगी हूँ पोटलीज, ये सारी पोटलीज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे स्मॉल मिनी फैंसी बैग। इसमें हम लोग डालने लगे हैं गर्मियों के कपड़े सारे। चेप 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 ऐसे होती है सफाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। गर्मियों के कपड़े हम इसको छोड़ के आते हैं ऊपर। गाइस बहुत मुश्किल काम है यार, सर्दियों से गर्मियां गर्मियों से सर्दियां शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम। मैंने और मामा ने मिलकर डिसाइड किया है ये जो पर्दों के ऊपर दिख रही है ना व्हाइट व्हाइट सी झालरें टाइप, इसको हमने उतार देना है, ब्लैक पर्दे रहेंगे। ये हम करवाएंगे वन एंड ओनली पापा से, वो पेचकस लेने गए हैं कमरे को थोड़ा न्यू करें। चलो भाई पापा आ चुके हैं। झंडा उतार के कहा सरों में मारना है, संभाला जाएगा नहीं बाद में जंग जुंग लग जाएगा, साथ ही लगा रहेंगे। गाइस फर्क तलाश करें, बिफोर ये था और आफ्टर ये हो गया। सफाई करते हुए मुझे मिली मनी गन, चलती नहीं है यार ये, हमें हमारे फैंस की तरफ से ये मिला था सिस्ट्रोलॉजी वाला ना, उधर लगवा रहे हैं, बड़ा प्यारा लगेगा। अभी तो टेढ़ा है, एक स्विच बोर्ड लेने गए उसकी कमी आ रही थी, ये यहाँ पे रख दिया। अब जब ये यहाँ पे लगेगा ना ब्रो तो इसने बहुत प्यारे किस्म का लगना है, और फिर जब ये लाइट जलेगी ना मैंने तो आपको डेफिनेटली दिखाना है। रूम मैंने इतना प्यारा बना लिया ना अपना वार्डरोब रूम, सिस्ट्रोलॉजी का है ये वार्डरोब रूम। तो गाइस ऊपर इलेक्ट्रिशियंस आ गए हैं, वो लोग वो सिस्ट्रोलॉजी वाला ऊपर नाम दीवार पे लगा रहे हैं। उतनी देर हमारी थोड़ी फूड ब्रेक, हमने कहा पहले थोड़ा खाना छाना खा ले, खाना खाती हूँ उसके बाद चलती हूँ फिर से सफाई करना। अच्छा तो गाइस अब मैं ये वाले पोर्शन को साफ करने वाली हूँ। इन्हे शफर पे और इन्हे एना दे उत्ते के मैं सफाई कर कर मर गई हूँ। ये क्या है, चूड़ियाँ, व्हाट इज दिस, पेंट, इतनी मिट्टी है ऊपर। तो गाइज ऊपर से सफाई करते करते मुझे ये रिच गर्ल्स भी मिल गया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी कहीं ना कहीं मैं फिट कर ही लूँ। तो गाइज हमारे साथ हुआ कुछ ये, मैं पूरे कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे और मामा को ना एक चीज मिली और वो थी ये। अब हमें लगा कि ये चकना बेलना है, इससे रोटियां पकाते हैं, ये देखो लग भी वैसा ही रहा। बट यार बाद में मेरा दिमाग यूज किया कि यार ये तो टेबल है, मुझे कुछ देर पहले ना कोई 6-7 महीने पहले इसकी पीआर आई हुई थी, मैंने उनको बोल दिया कि आपका टेबल घूम गया है मेरे। लिटरली मुझे हंसी आ रही है कि हमें पहले लगा कि चकना बेलना। हिराना कब से कह रहे थे हमें ऐसे टेबल की जरूरत है, किन्हें किन्हें डंडे खाने ने, ये बहुत इजी है, ये इंस्टेंट टेबल है। फाइनली मैंने टेबल को तैयार कर लिया है। यार चीज कितना प्यारा टेबल बन गया है यार। आज फातिमा ना फुल टाइम मजदूर बनी हुई है और पूरा कमरा साफ कर रही है, सिस्ट्रोलॉजी की पूरी वार्डरोब मैं साफ कर रही हूँ और बना रही हूँ। ये चारों आज कहीं बाहर कुछ खाने पीने गई हुई थी बट मैं घर रह के सफाई कर रही हूँ, मेरे हाथ देखें यार, मजदूर के हाथ लग रहे हैं। और मेरे साथ हेल्प की है सिर्फ मामा ने, सारा ऊपर का भी साफ कर दिया है। 2 hours later so, room, सा...
साफ कर लिया है वार्डरोब वाला, और इतना कोई मस्त किस्म का साफ किया है ना, क्या प्रिटी वाइब आ रही है। अभी आपको टूर करवाती हूँ, पहले बहनों को रिएक्शन तो ले लो इनका। कैसा लगा रूम? आर यू बेड लेके दिन सोंगी? कितना प्यारा रूम मैंने डेकोर किया है। आ जाओ मैं तुम लोगों को रूम दिखाऊं जो मैंने डेकोर किया है। क्या था और इसको मैंने क्या से क्या बना दिया। ये सारा मेरा आइडिया, मैंने पापा से लगवाया है। हाँ, तुम लोग बाहर फिरने टूरने गए हुए थे ना, मैंने सारा समेट दिया है। जैसे ही लाइट देखी है तो साथ ही इसको दे दो वो कमरा। मम्मा ये परफ्यूम है ना यार, ये स्थार्टिक स्थार्टिक देखो, चीजें मैंने सारी यहाँ पे रखी हुई है। कैसा लगा रूम? कितना प्यारा मैंने डेकोर कर लिया है। सिस्ट्रोलॉजी रिच गर्ल्स। हाँ चलो अब सब आके कमरे में डांस कर रही है। कमरा क्या प्यारा हुआ, सबको पसंद ही आ गया। नाचो, ये सिस्ट्रोलॉजी का डांस है। अरे ये लाइटिंग ऐसी की फातिमा नहीं सफाई कर सकती, इतनी चुन्नती। मैं नहीं की है सारी, से थैंक यू टू मी। हमने सब समेट दिए। हाँ खोल के देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जूतों वाली अलमारियां खोलो। फातिमा दिस इज फॉर यू। जूतों वाला देखो, एक एक चीज ऐसे देखिए। फातिमा भी पीछे बांध सारा मैंने जोड़ा है, और पापा ने भी साथ में मदद की है। अब ऐसे तो जैनब को इस कमरे में शिफ्ट कर दो, मेरा मन। इतनी मेहनत से साफ किया, तुम लोगों ने पांव दिखाओ। चेक करो व्हाट डू यू, मैं छपड़ी लड़कियों की निशानी, मेरे पांव देखो कितने मिट्टी मिट्टी हो गए हैं। सारा ऊपर से नीचे तक मैंने डेकोर किया। इस वीडियो के बाद थोड़ा सा लास्ट पे लोगों को टूर दिखाएंगे, तो तुम लोग मुझे बताओ 10 में से कितने मार्क्स देते हो मेरे इस रूम को। मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी, पहले पूछेंगे बॉस। 10 में से 10। ये 20 सारे नंबर एस्ट्रोलॉजी के। हां सारे नंबर इसके। बेटा 10 में से ये जो सब नंबर दे रहे हो ना, ये मुझे और मामा को दे रहे हो, हम दोनों ने सफाई की है मिल मिला के। लाइटें पापा ने लगवाई। हाँ पापा लाइटें। हमारा स्वागत नहीं करोगे छोटे भाई? बड़ी फिट किस्म की आ जाएगी ये देखो, ये अच्छी। आप लोगों का शुक्रिया मेरे के लिए। गाइस जैसे ही आपकी आई थी ना, मैं उसके 15 प्रो मैक्स से जो है वो ब्लॉग शूट कर रही थी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप ही को अपने अगले घर की फिक्र पड़ी हुई। मैं अपना वार्डरोब कमरा दिखाऊंगा। ओके आप ही, ओ एज यू आर जॉकिंग।